अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में हमने टेलीफोन का जिक्र किया था कि ये जो बिजनेसेस होते हैं बहुत सारे, इसके अंदर टेलीफोन की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। आमतौर पर आजकल ये भी हो गया कि बहुत सारे लोग खुद विजिट करने की जगह पर सबसे पहले इस बात को तरजीह देते हैं कि हम फलानी जगह पर कॉल करें और कॉल पर हमें पता चल जाए कि भाई फला चीज़ है नहीं है, क्या है, ठीक है ना। उसकी किसी भी चीज़ की इंक्वायरी करनी, मिसाल के तौर पर रेट है, प्राइस है, वगैरह वगैरह व्हाट्सएवर, तो वो जो है हमें मोबाइल पे मतलब पता चल जाए, ठीक है ना, टेलीफोन पर पता चल जाए। तो इससे क्या होता है, आपका आना जाना बचता है, पेट्रोल, टाइम एंड सो मैनी थिंग्स You can save. On the other side, another side of the story is what? कि इसके जरिए आप अपने कम वक्त में ज्यादा क्लाइंट्स बना सकते, तो उनका भी डेफिनेटली इसके अंदर फायदा होता है कि बंदा आ भी नहीं रहा, ना उसको आपको चाय पानी का पूछना पड़ रहा है, ना ज्यादा टाइम देना है, वो भी फोन पर है, अपनी काम की बात करेगा और रख देगा। अगर कोई मुझसे मिलने आता था मैं उससे पूछूंगा, हाँ भाई क्या हाल है, ये है वो है, अकड़म अकड़म सकड़म, इधर उधर की बहुत सारी बातें होंगी, फिर चाय पानी भी मैं उसको पूछूंगा। मैं बताऊँ, आज मैं ऑफिस में था तो मुझसे मिलने कितने लोग आए, बहुत ज़्यादा लोग आए। अब क्या होता है कि हमारी ट्रेनिंग्स वहीं बहुत सारी, उसमें मैं सिखाया गया कि एवरी गेस्ट हैज इट्स ओन वैल्यू, ठीक है ना। कोई आता है उसको हम सिर्फ पानी, कोई आता है हम उसको सिर्फ पानी पिलाते हैं, जो उसकी वही बात है, उसके ऊपर चाय, उसकी चाय की बर्तन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चाय की बर्तन, उसको चाय पिलाएंगे। चाय के बाद आता है खाना, खाने की बर्तन है, खाने में भी कैटेगरीज है। एक बंदा आता है उसकी इतनी है कि उसको बिरयानी शिरयानी मिला के खिला दो, बिरयानी मंगाई खिला दी, ठीक है ना। अच्छा, एक बंदा होता है उसको हम के एफ सी उठ के जाते हैं, के एफ सी लेके जाते हैं, मैकडोनल्ड लेके जाते हैं, नेंडोस लेके जाते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये इसकी वो है स्टेजेस है। तो भाई कोई आया उसके साथ बैठे, गपशप की, पानी शानी पिला दिया ठंडा, कोई आया चाय पिला दी, कोई आया बिस्किट खिला दिया, मतलब वो चार छः कप तो मुझे खुद भी पीनी पड़ गई, क्योंकि कर्टेसी में आपको भी साथ साथ पीना पड़ता है, क्योंकि अनएथिकल होता है कि आपके से कोई मेहमान मिलना है और सिर्फ वो चाय पिए तो ये गलत है। तो मैं ये करता था कि बस आधी आधी कप चाय लेता रहा हर बार, बट दिस इज द नीड, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड अगर वो लोग फोन पे हो तो बहुत अच्छा रहता है, उन पे बात टू द पॉइंट होती है, वक्त भी कम लगता है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो हम थे कहाँ तक, A pencil or pen and piece of paper should be ready for jotting down important points or numbers. Okay. जब भी फोन रखें साथ में पेन पेपर होना चाहिए, इस पर कल बात हो चुकी थी, पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। Conversation should be well organized. कन्वर्सेशन क्या होनी चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। जब कन्वर्सेशन जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होगी तो ही आप जो है बेहतर परफॉर्म कर पाए। ओके, अब कन्वर्सेशन वेल ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है? कन्वर्सेशन वेल ऑर्गेनाइज का मतलब यह है कि भाई पहले क्या बात करनी है, बाद में क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, शुरू कैसे आप करेंगे, फिर वो बंदा क्या सवाल करेगा तो आप क्या साथ जवाब देंगे, यानी आपको इतना ज्यादा तैयार होने की जरूरत होती है कि, और इतने आप मजे भी होते हैं। मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं हूँ, इमरान भाई हैं हमारे और दीगर टीचर्स हैं, आमिर भाई हैं, वी आर एक्सपीरियंस इनफ के, मतलब मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, इमरान भाई को 18 साल हो गए पढ़ाते हुए, आमिर साहब को 20-22 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो हमें पहले से पता होता है कि हम ये बात कहेंगे अब ये सवाल आएगा,
हमें पता होता है हर बार कैसा आएगा। तो इसी तरह जब कोई भी काम आप मुसलसल कर रहे होते हैं ना, यू हैव आइडिया, आपको पता होता है कि भाई फला सवाल जो है वो आने वाला है, तो फिर आप उसी हिसाब से उससे निपट सकते हैं बंदे। तो आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड कन्वर्सेशन रखें, आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं आने वाले। कॉलिंग टाइम शुड बी सूटेबल, ये भी आपने सुन लिया। कॉन्फिडेंशियल टॉक्स शुड बी अवॉइडेड। कॉन्फिडेंशियल टॉक्स मतलब ऐसी कोई फोन पे कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो बहुत ही ज्यादा राज की बात हो, क्योंकि अब होता क्या है फोन पे रिकॉर्डिंग हो रही होती है, ठीक है ना, स्पेशली जो इदारे के फोन होते हैं वो तो सारे रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉर्ड होकर डम हो रहे होते हैं, और जब किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं करते फिर सारे फोन सुनने के लिए बंदे बिठाए जाते हैं कि भाई आज तुम सुनो, आज तुम सुनो, आज तुम सुनो, ठीक है ना। ओके, टेलीफोन पे कभी भी कोई कॉन्फिडेंशियल बात नहीं की जाती, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। मोबाइल पे किसी को मैसेज कर रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल कोई बात नहीं होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट लेके वो शेयर करेगा फेसबुक पर, कोई वॉइस नोट नहीं भेजना है, कॉन्फिडेंशियल कोई बात नहीं करी है मोबाइल पे टेलीफोन पर, क्योंकि ये सारी बातें नोट हो रही होती हैं, तो ये सब आपने नहीं करना। द कॉलर शुड नो द एग्जैक्ट पर्सन टू टॉक टू, और आपको उसका नाम वगैरह काफी कुछ उसके बारे में पता होना चाहिए जिससे आप बात कर रहे हैं। If the intended person is not available, get the message, record it or call him again. कि भाई अगर कॉलर जो है, अगर तो कॉलर को नहीं पता, ठीक है जी, the caller should know the exact person to talk. If the intended person is not available, get the message, record it or call him again. एक तो आपको पता होना चाहिए किस बंदे से बात कर रहे हैं, अगर वो बंदा नहीं है अवेलेबल तो उसको रिकॉर्ड करके उसको दोबारा, अब बाद में कॉल कर सकेंगे अगर आपको सारी चीजें पता है, वो बंदा कल को नहीं मिलता दोबारा उससे बात करनी पड़ती है। हर बंदे का नंबर आपके पास सेव होना चाहिए, बहुत इसके फायदे होते हैं। अच्छा, पहले मैं थोड़ा अलग स्ट्रेटेजी थी मेरी, पहले ना पहले मैं कम से कम बंदों का नंबर सेव रखता था, ठीक है ना, यानी एक साल जैसे पहले मैं ये करता था कि जैसे मेरा अभी बीकॉम का बैच खत्म हुआ ना, हर साल बीकॉम का बैच खत्म हो रहा है, इंटर का बैच खत्म हो रहा है, अब जो नंबर मैंने बच्चों का कुछ सेव कर लेता था एकदम झाड़ू फेर देता था, सब सब साफ सब डिलीट, तो वो मैं हर साल बढ़ के वो 2,500-4,000 पे नंबर जाते हैं, फिर वो कम होकर हजारों हजारों नंबर डिलीट करता था, ठीक है ना। जैसे तो अभी मैं आप में से किसी का अगर नंबर मेरे साथ पास सेव है तो वो 2020 उसमें जरूर लिखा हुआ है कि मैंने इस सन में आपको मैंने बता। अब मैं क्या करता हूँ, हाँ भाई डिलीट करना है, किसी भी बच्चे को, भाई को, छोटे मोटे को, किसी को भी दिया मोबाइल 2020 के नाम से जितने भी सेव है सब डिलीट कर दो, वो उठा के वो बैठा हुआ कोई डिलीट करता रहा, डिलीट करता है बहुत, क्योंकि फिर नंबर ढूंढना मुश्किल मसला हो जाता है, यही वजह है। अब मैं व्हाट्सएप पर भी दो नंबर चला रहा हूँ, और आप लोगों के पास जो नंबर है इसके अलावा मेरा एक और नंबर है व्हाट्सएप पर, उसमें मैं अभी तक मैंने बहुत सारे ग्रुप उसमें शिफ्ट कर दिए हैं, जो बहुत ज़्यादा मैसेज वाले थे वो दूसरे नंबर पर शिफ्ट कर दिए, तो ताकि आप किसी पर अटेंशन देनी हो तो आप उसी एग्जैक्ट नंबर पर जा सकते। चलें जी आगे चलो। गाइडलाइंस और पॉइंट्स शुड बी ऑब्जर्व बाय रिसीवर। देखिए, मैं कभी कॉल करने वाला हो सकता हूँ और कभी मैं कॉल रिसीव करने वाला हो सकता हूँ। I should be ready from all aspects. हमें हर हिसाब से तैयार रहना चाहिए, ठीक है जी, हर हिसाब से हमें क्या करना है, रेडी रहना है, तैयार है। ओके, नंबर वन, द रेसिपिएंट ऑफ द कॉल शुड आंसर प्रॉम्प्टली। बेहतर है कि जो नॉर्म्स हैं ऑफिस नॉर्म्स में आपको बताऊं, 3 बेल के बाद आपने लाजमी फोन उठा लेना है, कम से कम 2 या 3, कोशिश करें 4 ना हो, ठीक है ना, आइडियल इज व्हाट 3, 3 बेल पे आपने फोन उठा लेना, 3rd बेल के बाद आप फोन उठाएंगे।
कि ऑफिस नॉर्म्स हैं हमारे यहाँ बताया गया। अच्छा और फिर क्या है, लेट सपोज माय फोन इज रिंगिंग, इफ समवन इज सिटिंग विद मी देन व्हाट इज द स्ट्रेटजी। मैं अपना फोन नहीं उठाऊंगा किसी के साथ, अगर मैं उसको उससे इजाजत लूंगा और फिर मैं फोन उठाऊंगा, अगर बहुत कोई कॉन्फिडेंशियल बात है तो मैं उठ के जाऊंगा एक्सक्यूज मी करके, कहीं और जाकर मैं फोन सुनूंगा, और अगर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉल नहीं है तो मैं बोलूंगा आई विल कॉल यू राइट बैक, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ और मैं रख दूंगा, अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मैंने कॉल नहीं उठानी। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज ऑफिस नॉर्म्स, ये चीजें सीखनी होती क्योंकि आपके बॉसेस जो होते हैं उनकी भी इन तमाम चीजों की एथिक्स की ट्रेनिंग्स होती है बाकायदा, वो तमाम चीजें आपको सीखनी होती है, उसको करना होता है। अगर आप ये चीजें नहीं करेंगे तो सामने वाला नोट करेगा और सामने वाला नोटिस करने से आपको बताएगा नहीं, वो लिखेगा आपकी प्रमोशन में आपकी तमाम की तमाम चीजों में इसका इम्पैक्ट आता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके He should not say hello. It is wastage of time. On picking up the call, receiver should identify himself, name, telephone number, section, etc. ठीक है जी। अच्छा जब आप कॉल करेंगे तो आप क्या कहेंगे जब आप रिसीव करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। This is Wasee Haider from MCB Bank, Credit Department. How can I help you? How may I help you? ठीक है ना? यानी मैंने अपना नाम बताया, अपना डिपार्टमेंट बताया, अपना बैंक बताया, नाम बैंक डिपार्टमेंट मतलब जैसे वसी हैदर फ्रॉम एसएमई बैंक क्रेडिट डिपार्टमेंट, वसी हैदर फ्रॉम एमसीबी बैंक बैंक का लगे क्रेडिट डिपार्टमेंट, कैट डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, व्हाटसोएवर। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वसी हैदर फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना, राइट। The receiver should reply clearly with a sweet voice. और आपने जब भी बात करनी है मीठा हल्का, अस्सलाम वालेकुम, मैं खैरियत से हूँ, ऐसे मीठा मीठा ले जा, ये भी ऐसा नहीं अस्सलाम वालेकुम, हाँ मैं फलां बात कर रहा हूँ, हाँ क्या है, क्यों फोन किया भाई, दबा हो जाओ यहाँ से, ऐसा कोई लहजा नहीं रखना। ऐसा लहजा रखोगे तो सामने वाले की हट भी जाएगी और आपको बदतमीज भी कहेगा। एक आध बार हुआ ऐसा कि मैं गुस्से में था और फोन आया तो मैंने इस तरह से बिहेव किया और सामने वाले ने मेरी कंप्लेन कर दी ऊपर कि भाई ऐसे ऐसे उन्होंने बात, उन्होंने रिकॉर्डिंग भी मेरी भेजी, वॉइस रिकॉर्डिंग उसने की मेरी, थोड़ा सा मेरा हार्श ले रहा था उसने भेज दिया ऊपर, ऊपर से कॉल आया मेरे पास, जी वसी साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्या बात है, ब्लड प्रेशर आपने चेक करवाया आपने ये वो, अच्छा अच्छा सर, मैंने फिर मैंने बोला नहीं भाई फोन पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो वी शुड बी केयरफुल व्हेन वी आर ऑन द जॉब, क्योंकि जॉब पर आपकी जात कुछ नहीं है, बेसिकली वो बिजनेस है, आपको उसी बिजनेस के हिसाब से अपने आप को लेकर चलना होता है, आगे बढ़ना होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। रिसीव द मैसेज करेक्टली एंड रिपीट इन डिटेल, जो भी मैसेज मिला उसको पढ़ें अच्छी तरह, बार बार उसको दोहराएं, ये भी बहुत है, अगर आप बार बार नहीं दोहराएंगे तो ये भी एक हमेशा आपके लिए मसला रहेगा। ठीक है जी, जी सदी मैं बताता हूँ आप, अच्छा जी, डोंट इंटरप्ट द पार्टनर ऑन द अदर हैंड, लेट हिम कंप्लीट। अगर सामने वाला बोल रहा जब तक वो अपनी बात मुकम्मल ना कर ले आपने कुछ नहीं बोलना, पहले उसको कंप्लीट करने दें उसकी बात, पहले उसको उसकी बात मुकम्मल करने दें, जब वो अपनी बात मुकम्मल कर ले फिर आपने बोलना। सही, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट हिम कंप्लीट। ठीक है जी, सबसे पहले आप क्या करेंगे उसको बोलने दें, उसकी बात सुनना ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है कि आप उसकी बात सुने उसे समझें। ठीक है जी, अगला क्या देखें, द रेसिपिएंट शुड अश्योर द कॉलर हु हैज टू वेट फॉर समवन
that he has not forgotten. अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं तो आप उसको बताएं कि भाई आई एम वेटिंग फॉर यू. रिमाइंडर आपको दे देना चाहिए कि फला टाइम पर हमने फला बात करनी है. तो अब आप अपनी अवेलेबिलिटी को कंफर्म करें, आप लाजमी अवेलेबल होने चाहिए. इस तरह की बातें भी आपने करनी होती हैं. ठीक है जी. अगेन इट डिपेंड्स कि भाई आप किस टाइम क्या बात कर रहे हैं. तो द रेसिपिएंट शुड अश्योर कॉलर who has to wait for someone that he has not forgotten. He should not be hurried. वो बहुत ज़्यादा जल्दी में ना हो. Abrupt और impatient. वो जल्दी भी नहीं होना चाहिए, abrupt भी नहीं चाहिए और impatient भी नहीं होना चाहिए. मैंने कहा जो है जल्दी में बात ना करें, आधी अधूरी बात ना करें, जो भी बात करें मुकम्मल और जामे बात करनी चाहिए. अच्छा जी, फैलो सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ लिसनिंग. प्रिंसिपल्स ऑफ लिसनिंग क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं दोबारा बताने की जरूरत नहीं है. देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स, कुछ जो हैं वो लिसनिंग के उसूल होते हैं. तो आपने क्या करना है, उन तमाम के तमाम लिसनिंग के उसूल्स को फॉलो करना है, प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है. उस चीज़ को डिनाई आप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते. फिनिश द कन्वर्सेशन कर्टियसली. अच्छा ओके सर, अल्लाह हाफिज़ सर, ये वो ना, बहुत ख्याल रखिएगा. These are the common sentences. अपना बहुत ख्याल रखेगा तो मैं इतना बोलता हूँ कि मैं आप लोगों को भी अक्सर क्लास के एंड में भी यही बोलता हूँ कि अपना बहुत ख्याल रखेगा. क्योंकि जाहिर है मैं, हमारे बड़े 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 क्लाइंट्स होते हैं, जब वो रखते हैं फोन तो अपना बहुत ख्याल रखेगा. मैं भी बोलता हूँ तो अपना बहुत ख्याल रखेगा, बहुत ही कॉमन लफ्ज हो गया. आप लोगों को भी कितनी बार बोला हुआ ना मैंने अपना बहुत ख्याल रखेगा, ठीक है ना. वो बस जबान से होता, दिल से भी होता है यार. जाहिर है अब आप लोगों से उनसियत है या और लोगों से भी उनसियत हो जाती है. आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं. अब क्लाइंट्स ऐसे हैं, किसी बेटे की शादी हो रही है, खुद की शादी हो रही है, हमारे यहाँ कार्ड भेज देंगे, आपने लाजमी आना, फ़ोन कर देंगे. अब जाना ही पड़ता है. पता है, मैं तो अपने स्टूडेंट्स की भी शादी में गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैं शादियों में गया हूँ अपनी. बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं. हम वो मोहब्बत करते हैं तो हम भी मोहब्बत करते हैं. अब ये बिलाल भाई हैं हमारे मास्टर जी के, इनकी शादी होगी तो मैं ज़रूर जाऊंगा. और आई थिंक बिलाल भाई अभी मौजूद नहीं है, चलें वो सुनेंगे कभी रिकॉर्डिंग तो पता चल जाएगा उनको. अच्छा, फिनिश कन्वर्सेशन हो गया, रिपीट फॉर कन्फर्मेशन वट एवर इज बीन सेड. अच्छा आखिरी में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो आपने आखिरी में रिपीट करनी है, बीच में नहीं, शुरू में नहीं, जब आप रख रहे हैं. अच्छा सर वो चीज़ तो याद है ना आपको. अच्छा सर वो तो आप कर लेंगे ना, लाइक दिस. तो आपने ये चीज लाजमी करनी है ताकि सामने वाला बंदा जो है उसके जहन में ये बात घर कर जाए, उसको याद हो. ये आ गया जी पुराना, हमने एक जमाने में किया था नूरपुर. ओह मैं उर्तुगल देख रहा था. अच्छा जी, यहाँ पर डिक्टेशन की बात थी, कंप्लीट हो गई. अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हुए. हमारे बहुत सारे चैप्टर्स हो गए. देखें जी, लिसनिंग हो गया, डिफेंस, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी भी हो गया, और जो है इंट्रोडक्शन हो गया, लेटर्स हो गए, डिक्टेशन, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एंड ये हो गया, लिसनिंग हो गया. तो इसके अलावा सेवन सीज ऑफ प्रिंसिपल हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन हो गया. तो वो छः सात आठ चैप्टर्स हमने कर लिए हैं, ठीक है ना. तो इसी के साथ साथ आपने उसी हिसाब से फिर याद भी करना होता है. अच्छा तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, ये जो हमारा सेट था, सेट नंबर 3 था. सेट नंबर 4 खोलता हूँ. कोई सवाल हो किसी का तो अपना माइक ऑन करके कर सकते हैं जब तक आप.
I'm very excited that inshallah बहुत जल्द हमारी मुलाकात। सर मेरे क्वेश्चन सर। जी जी सर आपके नोट जो है मास्टर जी कोचिंग में आ गए? मास्टर जी में अभी नहीं आए, मास्टर जी में असल मेरी बात नहीं हो पाई है। मैं उनसे बाहर बात करूंगा एंड देन आई विल लेट यू नो इंशाल्लाह, ठीक है ना। सर जी सर आपने कहा था कि आपको ये डेट डिसाइड करेंगे जिसमें आप हमें अपने सारे लेक्चर्स देंगे जिसमें जिसमें जो रह जाएगा वो कंप्लीट कर लेगा अपना काम। जी 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 वो मैं आपको जैसे आज हमारी क्लास और अभी ईद के बाद होगी ऐसा ही है ना, तो मैं आप लोगों को बस कल से वो समरीज में बनाना शुरू कर दूंगा। अच्छा कल थोड़ी बहुत बनेगी, कल टाइम भी कम होगा, जो बात जुम्मे को क्योंकि कहीं नहीं जाना है, ठीक है ना। और जानवरों वगैरह के साथ मैं तो बिल्कुल भी इस तरह की एक्टिविटीज में रहता ही नहीं हूँ, तो मैं तो गोशा नशीन हो जाऊंगा बस। तो मैं ये कि मैं यही काम करूंगा तो मैं आप लोगों को सेंड करूंगा इंशाल्लाह, ईद मुबारक के मैसेज के साथ आपको ये तमाम चीज़ें मैं भेज दूंगा, सारे लिंक्स पूरे पिछले महीने के पूरे लिंक्स भेज दूंगा एक साथ, तो जो आपका काम रह गया होगा तो वो इंशाल्लाह आप कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा अब मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ थ्योरी, थ्योरी हमने प्रैक्टिकल हमने पहले कर लिया है, थोड़ी सी थ्योरी इसको हम रिकॉल भी हो जाएगी, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है वो भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अभी मैं शेयर करता हूँ, बेसिकली प्रैक्टिकल लेटर्स नहीं है बट बल्कि जो लेटर्स से रिलेटेड जो थ्योरी आती है एग्जाम में ये वो है बिजनेस लेटर्स। अच्छा जिसको नोट्स नहीं मिले मैं उसको ये अपने पास से पीडीएफ सेंड करूंगा, फिलहाल पीडीएफ से काम चलाइएगा। नोट्स अख्तर साहब से मैं बात करता हूँ और मैं अभी अख्तर साहब को बल्कि आप लोगों के सामने मैसेज कर ही देता हूँ ना यार, ताकि फिर मैं भूल जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर जी, वो नोट्स मैंने कुछ भेजे थे ईमेल वो प्रिंट हो गए तो बताएं, बच्चे पूछ रहे हैं। अच्छा मैं मतलब मास्टर जी में भी मैसेज कर रहा हूँ भी हाथ के हाथ। अस्सलाम वालेकुम सर जी, नोट्स के हवाले से मुझे बात करनी थी, बच्चों को नोट्स देने क्या तरीक़ेकार होगा उसका, मैं सेट रखवा दूँ आपके पास, ठीक है ना। दोनों जगह मैंने मैसेज कर दिए आप लोगों के होते होते, ठीक है। अभी सही होगा कि मतलब वो मुझे अभी रब्ता करेंगे तो मैं मिल जाएंगे नोट्स इंशाल्लाह, दोनों जगह पे बहुत जल्द नोट्स अवेलेबल होंगे। अब सुनिए वो क्वेश्चंस जो आ चुके हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में लेटर से रिलेटेड वो देखें आप, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, व्हाट आर द पार्ट्स और एसेंशियल्स एसेंशियल पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर, व्हाट आर द ऑप्शनल पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर, डिस्क्राइब द लेआउट ऑफ स्टाइल और फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर, डिस्क्राइब द पंक्चुएशन स्टाइल्स, स्पेसिमेन ऑफ फुल ब्लॉक स्टाइल वगैरह वगैरह, ये सारे हैं। टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन यू मे गो टू द रीड, आप रीड कीजिएगा, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट राइट नाउ। बेटा इतना ज़ूम बहुत है, नाउ टेक स्क्रीनशॉट, अब बड़ा बेहतरीन स्क्रीनशॉट आना चाहिए।
वन मोर स्क्रीनशॉट हो गया। अच्छा जी, अच्छा तो ये सारे सवालात हैं जो आते हैं, ये बेसिकली लेटर नहीं लिखना होता, लेकिन लेटर के बारे में आपकी नॉलेज कितनी है, ठीक है ना, ये सब आपने लिखना होता है कि भाई इसमें सारी चीजें आपको पता है कितने काइंड्स ऑफ लेटर्स होते हैं, क्या स्पेसिमेन होता है। आइए पहला सवाल देखते हैं इसमें क्या है। What are the parts or essential parts of business letter? ये दो तरह से आता है, या तो parts या तो लाभ। Essential parts मतलब लाजमी हिस्से, कौन सा लेटर के लाजमी हिस्से होते हैं। वैसे तो मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया था, अब इसको हम एक बार थ्योरी भी थियोरिटिकली भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब यहीं पर अपनी बात को रोकते हुए मैं ये चाहूँगा दो तीन जुमले इस हवाले से आपको बोलूँ। देखें, जुलाई की आज आखिरी क्लास, जुलाई खत्म हो गई, अब चाहे पूरा पाकिस्तान कोरोना में दोबारा मुबतला हो जाए, खुदा ना खास्ता, अब तालीमी इदारे बंद नहीं होंगे। गवर्नमेंट को अच्छी तरह एहसास हो गया इस बात का, हर हाल में सितंबर में कुछ भी हो जाए अब खुल जाएंगे तालीमी इदारे। और अब इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग हो गई है पाकिस्तानियों की, और ये तब सबको ही तकरीबन हो चुका है, जिनको गुजरना था वो उसमें गुजर भी चुके हैं, तो सब चीज़ें अब स्ट्रीमलाइन होंगी। आप लोग तैयारी करें बहुत तेज़ी से, या लास्ट ईयर बस इतना ही बोला, ज़्यादा नहीं बोला, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, ठीक है ना। चलें अब 7:45 बज चुके हैं, तो लेट्स ब्रेक ऑफ कितने मिनट, 10 मिनट्स, एंड देन वी विल स्टार्ट अगेन, ठीक है।